सर स्कूल की छुट्टी कर दे रहे हैं। क्यों? शहर में चारों तरफ बबल मचा है। क्या हुआ? कल उस सहाय और सत्येंद्र के बीच दारू के नशे में बियर बार में झगड़ा हुआ था सर। उसके बाद लड़के ने सहाय की जात का नाम लेकर गंदी गंदी गाली दी सर। फिर सहाय ने धमकी दी सर कि उसकी बहन को उठाकर रात भर उसके साथ बलात्कार करेगा। अब उसकी बहन को उठा भी लिया है सर। तो किसी से कुछ मत कहना, मैं संभालूंगा। सर सर एक लड़के को भी काट। इंस्पेक्टर पांडे कोई जाति विवाद हुआ है क्या? हाँ सर, दोनों ग्रुप को कलेक्टर ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया है। सर क्या हुआ सिंगम, मुंबई में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? मेरी बेटी को किडनैप कर लिया सहाय ने। तुम्हारी बेटी को सहाय ने उठाया तो इसके बेटे को तुम्हारे आदमी ने क्यों मारा? ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर 6 बजे तक लड़की वापस नहीं आई तो इतने लोगों के लाइसेंस के साथ रिवॉल्वर ले रखी है, अगर शुरू हो गई ना तो शहर का एक एक आदमी मारा जाएगा। सर आहारी क्या हो रहा है? ओके इन दोनों जात वालों ने अपनी झूठी शान के लिए पुलिस के 8 लोगों को पीटा जो अभी भी अस्पताल में सीरियस पड़े हैं। सर एसपी ऑफिस की मीटिंग में हूँ सर, बाद में बात करता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, फोन को पॉकेट में रखो। सर जो कह रहा हूँ करो। आगे क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी तो एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर जाओ, खाना खा के आराम से सो जाओ, शाम को आना। अब लाशें गिन के देखेंगे कितने लोग मरे हैं। सर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। ये क्या कह रहे हो? डीएसपी का चार्ज ले रहा हूँ सर। पुलिस? You mean now? हाँ जी सर, और कोई रास्ता नहीं है। This is the time sir. Posting order SP office में fax कर दीजिए। 6 बजे तक लड़की को rescue करके आपको report करता हूँ sir. Okay. Okay. तुम इसे कर अपने area में जाओ। Daniel, Babu, Pandey, Charlie, Sahay के लोग कहाँ कहाँ हैं? मुझे तुरंत फोन करके बताओ। Quick okay, sir. I'm Surya Singham, Deputy Superintendent of Police, specially appointed by Home Minister for the communal clash. Sir, DGP office se posting order aaya hua sir. To phir itne dino tak off duty mein tha, surveillance kar raha tha sir. Eight charge. Sir, aaj jaisi meeting collector office mein hui thi, yahan bhi turant ek meeting arrange karni hogi. Carry on. Boss. सर इस प्रॉब्लम को भड़काने वाले दोनों तरफ के लोग जब यहाँ जमा हो जाएं तो तुरंत ही 3 घंटों के लिए हंगामा करने वालों को यहीं पर ब्लॉक करना होगा। मोबाइल फोन सिग्नल्स को जैमर लगाकर ऑफ करना होगा। कम्युनिकेशंस करते ही आधा हंगामा थम जाएगा। विंसेंट सर, समुद्र किनारे के लोगों को सपोर्ट करने के लिए समुद्र के रास्ते से कोई नहीं आना चाहिए। कोस्ट गार्ड को तुरंत अलर्ट कर दो और 2 बटालियन पुलिस को बोट लेकर समुद्र में राउंड अप करने को कहो। व्यापारियों को सपोर्ट करने के बहाने हंगामा करने वाला शहर में नहीं घुसना चाहिए। NH3, NH8, पुणे हाईवे, नासिक हाईवे सब जगह चेक पोस्ट लगाकर ब्लॉक कर दो। 6 बजे से पहले किसी को अंदर मत आने दो। लड़की को आखिरी बार यही देखा गया था सर। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। एसपी ऑफिस में सभी बदमाशों को बंद कर दिया गया है सर। मैं मडगांव में हूँ सर। कितनी बोट समुद्र में काम करने गई है देखकर मुझे तुरंत फोन करो। ठीक है सर, ठीक है। चाहे कुछ भी हो हम सबको देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूँ। सर 144 इंप्लीमेंट करने की इंस्ट्रक्शंस दे दो। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बाबू पांडे और जॉन तीनों यहाँ पर हैं सर। बाकी के 12 लोगों के फोन नंबर लेकर मुझे तुरंत SMS करो। 12 लोगों में से 7 लोग मिसिंग है सर। 5 लोगों का फोन बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहे। फोन ऑन करके अननोन नंबर नहीं उठा रहे, इसका मतलब कि नो नंबर ही उठाएंगे वो लोग। सर आपने जो 5 नंबर दिए थे वो अभी पनवेल के टावर रेंज में ही है। सर पनवेल सेंटर यही है। सर वो रहा राज होटल और वो रूबी होटल। पंगा होने पर किस होटल में रूम बुक करते हैं? मोबाइल फोन सिग्नल जैमर ऑन करके आसपास के सारे सिग्नल जैम कर दो। अच्छा अब लैंडलाइन से उनके नंबर पर फोन करो। यस सर। लाइन नहीं जा रही सर। यस।
ये राइट साइड के सारे रूम चेक कर लो। यस सर। और आगे भी चेक कर लो। छह लोग ने नहीं दिए। सर सारे रूम चेक किए हैं, सस्पेक्ट कहीं दिखाई नहीं दिया। छह लोगों ने चाबी नहीं दी, उनके रिकॉर्ड दिखाओ। फोन ऑट सेक्स कब बुक हुआ था? हाँ सुबह ही सर। वो रूम तो बाहर से लॉक है सर। क्यों? बाहर से लॉक करके अंदर भी तो रह सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में हर एक अक्यूज का मोबाइल नंबर डाल करके रख जी सर। और सब एक साथ फोन करना। ओके सर। जैमर ऑफ। यस सर। सबके पास एक ही नंबर से फोन आ रहा है। चमन द्वीप पे रखे हुए हैं सर। भाई उधर से एक बोट आ रही है। ए एंथनी तू क्यों यहाँ आ रहा? यहाँ के बारे में पुलिस को पता चल गया है, लड़की को छोड़ और भाग यहाँ से। जल्दी भाग। चाल मद मस्त कज सबके हिल जाए, भूचाल से ये धरा झिंगारियां फूट दी धमनियों में है ऐसा लहू ये भरा। बढ़ जाए जिस राह पर कदम, वही दुश्मन की सांसें भी जाए दम। यूं तो दिमाग उसका है गरम, पर दिल फूल की तरह है नरम। आपने मेरे घर की इज्जत बचा ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गलत राह पर चलने वाले स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर आए थे। स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन बनाने के लिए स्कूल में एनसीसी मास्टर बनकर ज्वाइन किया। किस तरह से आपने इन्हें बचाया? ड्रग्स माफिया की बेवकूफी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड द ईयर 2013 आवर टारगेट विल बी सिंगम इज बैक। ओह एक्सक्यूज मी, वो अब डीएसपी बन गया है। ओह रियली? वाओ। ये डैड, मैं अभी अपने सारे दोस्तों को ट्रीट देने जा रही हूँ ना, तुम भी आ जाना। ठीक है, बाय। माय सन इन लॉ हैज बिकम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब से काव्या सब्जी खरीदने भी सायरन वाली गाड़ी में ही जाया करेगी। क्या कहा? सुना नहीं? जोक कर रही हो? बस यूं ही। गुड मॉर्निंग सर। अरे पेटू दादा। सर जब आप स्कूल में थे आपसे बदतमीजी की थी ना, वो ऐसा ही दरवाजे पे खड़े होके आप ही को घूर रहा है सर। उसे ऐसे ही भगा दूं या हमारे पुलिस स्टेशन में ही रखना है सर? अरे पांडे तुम्हें 10 सोर मिलेंगे, 10 कुत्ते के पिल्ले मिलेंगे, शायद 8 गधे भी मिल जाएं, लेकिन इस तरह का बछड़ा कहीं नहीं मिलेगा। इन्हें जहाँ छोड़ो वहीं चलेंगे, जितना खींचो उतना ही खिसकेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस का तो पता नहीं होता, लेकिन गलती पर सीधा रिएक्ट करने वाले ऑफिसर्स होते हैं। अंदर भेज दो उसे। करीम सर बुला रहे हैं। सर जिस पुलिस वाले ने गलती की उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, आप किस काम से आए बताए बिना? स्कूल के बच्चों को सुधार रहे, ऐसा इंटरव्यू दे रहे हो, आपका आइडिया क्या है? जाने अनजाने में ऑब्जर्वेशन पूरा होने से पहले ही अचानक चार्ज देना पड़ा। भाई के लोग मुझ पर नजर रख रहे होंगे, मुझ उन्हें राह से भटकाने के लिए बस यही एक रास्ता था। करीम तुम साथ में रहना। यस सर। करीम भाई क्या हुआ, होंठ फैल गए, आंखें फटी पड़ी है, पछतावा हो रहा है क्या? आज तक किसी बड़े अफसर ने कभी मुझे इस तरह से सम्मान नहीं दिया। ओ। लेकिन इन्होंने मेरा मान रखकर सारे प्लान मेरे ही सामने बता गए। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर सूर्या सिंघम इज अ पुलिस ऑफिसर। और
होटल के ओपनिंग के इनविटेशन छपकर आ गए हैं सर। मैं एक दिन पहले ही इंडिया आ जाऊंगा, तब तक सभी को इनविटेशन भेज दो। सर सर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है सर, सर मेरी बात सुनिए। ये क्या फिर? ओपन बार है तो स्टूडेंट्स को भी दारू पिलाएगा। इतना सोचूंगा तो धंधा नहीं हो पाएगा, वो खरीदते हैं तभी बेचते हैं। अरे सर क्या बात है, इतने के टाइम पे यहाँ पर क्यों आया? है बाजुओं में हजारों का बल, झुकता जिसे देखिए। साहब को मेरा नमस्कार, पुरानी कोई बात अपने दिमाग में मत रखिएगा साहब, आप जैसे शेर के सामने मैं तो तैयार हूँ साहब। फिर कर। अरे साहब ने मुझे माफ कर दिया, साहब ने मुझे माफ कर दिया। मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। देता है ये असहाय को हर बोलिए ना बाबा। बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई। है चाल मदमस्त गज सम की हिल जाए, भूचाल से ये धरा। साहब तेरी जमानत भाई की वजह से ही हो पाई है। तारियां फूटती धमनियों में है ऐसा लहू ये भरा। सर आपके चेहरे पे मूछें ऐसी लग रही है जैसे शेर शिकार पे हो सर। तुम भी सच्ची सर? नहीं नहीं। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? सर गुजराती का भेष बदल कर घूम रहा था इसलिए पकड़ लाया। ए कौन है तू? ए बाया मोड़, पीछे मोड़। अरे मक्की। अरे सर आपको भी मारने के लिए बम्पर ही मिला था। तुमने सही बदला हुआ है, इसे इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? किसने? इन्होंने। क्या पकड़ा था मैं जानता हूँ। सभी लोग बोलते हैं ऊपर वाला भला करेगा, ऊपर वाला भला करेगा, एंड आई डिड समथिंग डिफरेंट। ऊपर वालों भलू करशे, नीचे वालों भलू करशे, ये सुन के इन लोग ने मेरे को पकड़ लिया। hey, ये अपना ही आदमी है, जाने दो इसे। हाँ। तुम घर जाओ। अरे अब मैं किसके घर जाऊं? मैंने ही सहाय को पकड़वाया, ये समझकर उसके लोग गुस्से से चाकू और तलवार लेके मेरे पीछे पड़े। पिछले 10 दिनों से कभी काली माता के दरबार में, कभी कचरे के डिब्बे में, कभी कुत्तों के साथ डर डर कर जी रहा हूँ। रहने के लिए कोई सेफ जगह बताइए। मुंबई में तुम्हारे लिए खतरा है, तुम ऐसा करो दिल्ली चले जाओ, दीदी से मैं बात कर लेता हूँ, तुम वहाँ तो रह लोगे ना? 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की बियर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ओके सर। ओए सॉरी सर, भावना में बह गया था। सर स्कूल से पगार मिलते ही यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रुकूंगा, तब तक मेरी सेफ्टी के लिए पुलिस वाले भेजोगे क्या? थोपड़ा देखा है क्या? नहीं नहीं ठीक है सर, गुलेल से काम चला लूंगा। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, बताना पेट छे के इंडिया गेट छे। जॉगिंग करो जॉगिंग। कुल मिलाकर 15 लड़के, सभी 11वीं 12वीं के ही हैं, एक भी लड़के के पास लाइसेंस नहीं है, क्या करूं सर? गाड़ी जमा करके इनके पेरेंट्स को बुलाओ। क्या हुआ? मैंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया है, यही बताने आई थी। गुड, अच्छा हुआ जल्दी समझ गई। सॉरी सर, एक स्टूडेंट टीचर से प्यार नहीं कर सकती ये बताया था आपने, लेकिन पुलिस अफसर से प्यार नहीं कर सकती ये तो नहीं कहा था। जब से आपने पुलिस यूनिफॉर्म पहन लिया, मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया। देखो सानिया, तुम जो महसूस कर रही हो वो प्यार नहीं है, इट्स आफ्टर ऑल इन्फैटुएशन। हमें अगर कोई अच्छा लगता है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं, उसे तुम प्यार समझ के कंफ्यूज मत हो। तुम्हारी फैमिली का इस शहर में अच्छा नाम है, प्लीज उसे खराब मत करो। ओए पुलिस की बात माना करो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, लेकिन आपने जो भी कहा वो मेरे भेजे में बिल्कुल भी घुसा नहीं। सॉरी सर। सर सारे स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट के लोगों को देखते ही तितर बितर हो रहे हैं, पर ये अकेली स्टूडेंट आकर सीधे डीएसपी से डीलिंग कर रही है, उसे आप कैसे डील करने वाले हो? तुम जाकर ट्रैफिक से डील करो। दिस इज कॉल्ड नाइंसाफी सर। इजी इजी इजी। सुनिए मैडम, उस पुलिस वाले से आप क्या बात कर रही थी? लवर्स के बीच हजारों बातें होती हैं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या कहा लवर? बदसूरत काला बैंगन कहीं का, चल हट। मैडम काव्या, डोंट फॉलो मी। वो जगत राज है ना? जी हाँ सर। कार इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है? चलो चलो।
सर नमस्ते। चलो जल्दी बोट चलाओ। आए ना सर, जल्दी उस बोट को फॉलो करो। जी सर। इसके आगे हम नहीं जा सकते, वहां भाई का जहाज खड़ा है सर। भाई का? तुम्हारे पास दूरबीन या टेलीस्कोप है? सर। ए, बोट घुमा, जल्दी घुमा सर, वापस चलते हैं। पुलिस वाला खुद को मास्टर बताकर सभी को चकमा देकर इसी शहर में घूमता रहा, और इस सब पर ध्यान दिए भी नहीं साले ने, एक लड़की को किडनैप करके पंगा खड़ा कर दिया। ओए, मैं और भाई किस लिए दुश्मन बनकर शहर भर में घूम रहे हैं? हमारा धंधा दो नंबर का है, इस धंधे में भले ही हम फंस जाएं, मगर आप पर आंच नहीं आनी चाहिए। पता है ना कितना रिस्क लेकर हम यहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं? बात सुनो, हमने भी 10 दिनों तक पूरी छानबीन की है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट स्कूल के बच्चों के पीछे ही भाग रहा है, इसलिए हमारी बात उसे पता चलने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसके आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यह है ना अपना सहाय। मुझे से टुच्चे को आपने 12 लांच का मालिक बनाया, आपके लिए तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। कहाँ पर है सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है हरे पांडे, सब लोग वापस थाने आ जाओ। ओके सर। 10 दिन तक जकार्ता में मीटिंग अटेंड करके डील साइन की मैंने, बाकी दिन डैनी के साथ शिप पर था। अपना सारा हिसाब किताब करके मैंने सारा पैसा डॉलर्स में सेटल कर दिया है। हाँ भाई, टुमारो डैनी इज कमिंग। क्या बात कर रहे हो? मेरे होटल की ओपनिंग पर आ रहा है। पर कोई नेता आने वाला था ना? डैनी सुबह फंक्शन पर नहीं, रात को पार्टी पर आ रहा है। सहाय, तुम खुद ही जाकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर उसे पिकअप करके आओगे, ठीक है? जिस जगत राज को हम सीधा साधा समझ रहे थे, वही उन गुंडों के ग्रुप का हेड निकला। 8 महीने की इन्वेस्टिगेशन वेस्ट, प्लान चेंज करना होगा। वो क्यों सर? इस खेल को पहले सहाय से ही शुरू करना होगा। अगर हम उसे अरेस्ट करेंगे तो बाकी लोगों को शक हो जाएगा सर। ड्रग केस में अरेस्ट करेंगे तो शक हो सकता है, कुछ और सोचना होगा। सर, 6 महीने पहले पनवेल के डेविड को सहाय ने खून करके समंदर में फेंक दिया था सर, वो कंप्लेंट आगे ही नहीं बढ़ी सर। बस यही, इसी में हम कहती है डेविड आखिरी बार तुम्हारे साथ था, लाश कहां फेंकी अगर तुमने नहीं बताया तो डेविड का मर्डर केस तुम पर डालकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। बता देता हूँ सर, कल जगत राज के होटल की ओपनिंग है, सेंट्रल मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मुझे वहीं रहना होगा। करीम। सर। तुम काली को समुद्र के बीच ले जाकर डेविड की बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करो। हरी पांडे, सर। कल साय की तरह तुम सहाय का पीछा करते रहना। दामोदर, सर। किसी भी बहाने से डेविड के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके लाओ। वो किस लिए सर? समुद्र से बॉडी मिलने के बाद वो सड़ी गली होगी, वो डेविड की ही है, इसे प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट। ओके सर। Back to police. Mm-hmm. Born and brought up police. Mm-hmm. Good. और कितनी दूर जाना होगा भाई? अभी 4 किलोमीटर और जाना है साहब। ए, गाड़ी निकाल। अब भाई। सहाय अपने लोगों के साथ घर से निकल गया है सर। ओके। सर, ब्लड सैंपल ले लिया सर। वेरी गुड। यस डैनी, I'll be in Mumbai this evening. Sahai will be there to receive you. Okay. See you in the evening. Karim. जगह का पता चल गया है सर। गोताखोर छलांग लगाने के लिए तैयार है सर। Okay, carry on. Jump! क्यों रे, लांच तैयार है ना? हाँ भाई। वो अपने लोगों के साथ समंदर की ओर जा रहे हैं। मंत्री जी, जब तक यहाँ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस सर। जाने दो उसे। सानिया, इधर आओ। पर मैं कैसे आऊँ? आओ ना। अरे निकाल निकाल। भाई हिस्सा सुधा। आराम से, आराम से। डेविड ही है, कंफर्म है सर। पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटीज को शुरू कर दो। रात को एक प्राइवेट पार्टी रखी है, अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जनता की नजर में हमारी दोस्ती दिन की ही रहने दो।
यस सर, डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेज दिया सर। ओके सहाय का मोबाइल नेटवर्क से बाहर है सर, उसके नंबर पर एक डमी मैसेज भेज दो, सिग्नल मिलते ही डिलीवरी रिपोर्ट आ जाएगी। ओके सर। यस सर। सहाय नेटवर्क में आ गया है सर। डेनी सर, जेल ट्रेन, हार्बर वर्कर ट्रेन, सेफ्टी, सेफ्टी, नो डाउट, सेफ्टी, यस, बॉम्बे, गेट रेडी, रेडी सर, सर, हम लोग बोट से आ रहे हैं सर, जल्दी आओ, सहाय बोट में आ रहा है सर, ओके, सर, ओके सर, ओके सर, मूव पुलिस फिशिंग हार्बर में इंतजार कर रही है। क्या कहा? वेलकम डेनी सर, वेलकम, ऑल दिस माय एरिया। भाई पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने वाली है, भागो वहाँ से। भाई डेनी भी साथ में है। डेनी कौन है पुलिस नहीं जानती, तुम निकलो वहाँ से। डेनी सर, पुलिस, पुलिस, पुलिस राउंड अप। Why? You know arrest? I arrest. What should we do now? You know run. ओए साथ रहना, ओए गाड़ी निकाल, जल्दी डोंट पैनिक, ए अपन को क्यों पकड़ा, अपन भाई का आदमी बताया ना, ए गाड़ी में डालो सर। Who are you? What's your name? I am Michael Kong. What are you doing here? I work on the ships. Show me your passport. What are you doing with him? Sightseeing, eating fresh fish, having fun. I don't want to see you with him again. करीम सर, उन दोनों के पास वर्क परमिट और वीजा है, ये चेक करके आना जरा। यस सर। पासपोर्ट, जी हाँ पासपोर्ट। About Indian police? You said Indian police? Sir, visa bhi nahi hai, work permit bhi nahi hai, sir.